मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर जयपुर जयग्रूप सिंह यादव कार्यक्रम के मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि स्थानीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्यवीर यादव एवं उपखंड अधिकारी कोटपुतली, स्वीप प्रभारी अधिकारी श्रीमती नेहा चतुर्वेदी, विकास अधिकारी कोटपुतली के अनुसार कार्यक्रम का प्रारंभ बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत से हुआ। तत्पश्चात स्वीप प्रभारी नेहा चतुर्वेदी द्वारा कार्यक्रम का प्रसिद्ध परिचय प्रस्तुत किया गया। उसके बाद बालिकाओं द्वारा मैं तो वोट देने जाऊंगी आकर्षक प्रस्तुति हुई। तदुपरांत उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी का उद्बोधन हुआ। कार्यक्रम के दौरान कला जत्था की आकर्षित प्रस्तुतियों के बीच मतदाताओं को जागरूकता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत जागो जागो मेरे देशवासियों जागो का आह्वान किया गया। श्रीमती संपत कंवर के द्वारा मतदान गीत प्रस्तुत किया गया। आगंतुक अतिथियों का आभार स्थानीय तहसीलदार श्रीमती सीमा खेतान द्वारा किया गया। लोकसभा आम चुनाव के लिए दिनांक 6 मई 2019 को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तथा अन्य लोगों को मताधिकार का ना लूट से ना खुद से। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में तो ऐसा हमें क्या महत्वपूर्ण मिला जिसकी वजह से हम 15 अगस्त 26 जनवरी को आज़ादी का और गणतंत्र का पर्व मनाते हैं, प्रभात फेरियां निकालते हैं, मिठाई बांटते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और छुट्टी भी करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी की। बहुत सोच विचार के मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि और सारी चीज़ें तो मैं समझता हूँ जो ब्रिटिश राज में थी वो कमोबेश कानून की स्थिति हो, चाहे आपका क्रिमिनल कानून हो चाहे मेजर कानून हो, वो अधिक नहीं बदला है, सिर्फ लोगों की चमड़ी बदली है। पहले गोरी चमड़ी वाले लोग राज करते थे, आज गंदमी और गेहुआ चमड़ी वाले लोग राज कर रहे हैं। मोटे तौर से विधान जो आपने निर्वाचन पद्धति में आपको अधिकार दिया था कि अपने विधायकों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे, उन्होंने विधान को बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन उसमें नहीं किया, छोटे मोटे संशोधन हुए हैं लेकिन व्यवस्था वही है और तंत्र में सिर्फ रंग बदला है, नीतियाँ बहुत अधिक कुछ बदली होंगी लेकिन ये सारी चीज़ें ये बदलाव का ये इसका कहाँ से शुरू होता है ये सब आपके हाथ में। ये देखा जाएगा कि कोई भी अनावश्यक व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति घूमेगा तो उसके लिए निरोधात्मक कार्रवाई पूर्व में भी ली जाएंगी, मतदान से पूर्व भी और मतदान दिवस के दौरान। मतदाता दिवस जागरूकता कार्यक्रम ये रखा गया है जिसमें हम सभी मतदाताओं को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देते हैं और ये आह्वान करते हैं कि जो आगामी 6 मई आ रही है जो मतदान दिवस है जयपुर ज़िले में, उस पर अधिक से अधिक संख्या में कोई मतदाता छूटे नहीं, संकल्प के साथ जो मतदाता पंजीकृत हैं और जो वहाँ पर निवास कर रहे हैं अपने संबंधित क्षेत्र में वो आवश्यक रूप से मतदान करें। इसी के तहत जागरूकता के लिए हमारे विलेज लेवल वर्कर हैं, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, चाहे हमारे आशा सहयोगिनी हैं और हमारे विलेज लेवल वर्कर्स में पटवारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम सेवक हैं और दूसरे विभागीय अधिकारियों को भी इस के दृष्टिगत हमने यहाँ आहूत किया, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी रखी, जो नागरिक वृंद भी यहाँ आए, जनप्रतिनिधिगण भी आए, तो कुल मिलाकर उसका मकसद यही था, प्रयोजन यही था कि मतदाता मतदान के प्रति जागरूक हो और जो पिछली मर्तबा विधानसभा में जितना मतदान प्रतिशत हुआ है जो बताया गया 76% के आसपास हुआ है, तो हमारा आह्वान है कि उससे अधिक बड़ी संख्या में कोई मतदाता छूटे नहीं, इस सूत्र वाक्य के अंतर्गत यहाँ पे मतदान। सर जयपुर जिले में कहाँ कहाँ आ रहा आज का कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम? सर आचार संहिता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आचार संहिता के संबंध में हमने व्यापक व्यवस्थाएँ की हैं, कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अगर आदर्श आचार संहिता का किसी भी रूप में उल्लंघन करता है तो हमने उसके लिए व्यवस्थापन किया हुआ है, अगर चाहे व्यय का अनुमानों से बाहर जाएगा तो व्यय पर्यवेक्षक उसको देखेंगे,
और साथ में अगर प्रचार प्रसार के दौरान ऐसे विज्ञापन प्रदर्श प्रतिबंधित जगहों पे लगाता है तो उसके लिए भी हमारी टीम बनी हुई है। सारी अनुमत जगहों पे कार्यक्रम होना चाहिए, अनुमति देने के लिए हमने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो हमने रिटर्निंग ऑफिसर बना रखे हैं, तो सहायक वो उनको इख्तियारात उपखंड अधिकारी को दे रखे हैं। तो जिसमें भी जो भी कोई अगर आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। अगर ऐसा कार्य किया है तो भारतीय दंड संहिता के तहत भी दंडनीय है, तो उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी, और अन्यथा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत और दूसरे प्रावधान अगर शहरी क्षेत्र में करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जहां आगाज पजीर हो रखा तो विरूपण अधिनियम 2009 के तहत भी कार्रवाइयाँ होंगी। तो इसकी सबकी व्यवस्था हमने कर रखी है। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भी हमने फ्लाइंग स्क्वाड बना रखे हैं। सेक्टर ऑफिसर्स का 431 सेक्टर ऑफिसर हमने जयपुर ज़िले में मामूर किए हैं, वो अपने सेक्टरों का दौरा कर रहे हैं, संवेदनशील अति संवेदनशील सारे मतदान केंद्रों का हमने सर्वे जायजा करा लिया है, और वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स दी जाएगी। एरिया डोमिनेशन के लिए हमने यहाँ पर पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेज की व्यवस्था की है। कोई भी व्यक्ति उच्छृंखलता और विश्रृंखलता करेगा तो कानून प्रावधानों के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।